ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने लेजर लैंड लेवलिंग किया है, तो लेजर लैंड लेवलिंग से आप बता दोगे कि क्रॉप है उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, अगर क्रॉप की यील्ड बढ़ जाएगी तो वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बढ़ जाएगा, क्रॉप का स्टेब्लिशमेंट बढ़ जाएगा, क्रॉप का जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, क्रॉप का स्टेब्लिशमेंट जर्मिनेशन बढ़ जाएगा, तो वीड कंट्रोल है वो इजी हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से डाटा, या एक या दो रिसर्च स्टडी की, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने लेजर लैंड लेवलिंग पर रिसर्च की और फाउंड किया कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेजर लैंड लेवलिंग है उससे यील्ड है 20% बढ़ गई है, वाटर यूज एफिशिएंसी 22 से 25% नियर अबाउट डाटा दी। बहुत रिसर्च स्टडी होते हैं, किसी रिसर्च में 20 करता है, किसी 25 नहीं करता है, तो आप में एक पॉइंट मिल गया, और वो स्पेशल हाईलाइट करना कि रिसर्च स्टडी फाइंडिंग को आपको हाईलाइट करना है, तो इस टाइप से कुछ भी वर्ड डाल देना। ओके, उसके बाद में हम अगला पढ़ रहे हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम। तो जैसे जो ये राइस क्रॉप है, ये जनरली हम फ्लडेड कंडीशन रखते हैं, तो फ्लडेड कंडीशन है, आपको याद रखना चाहिए, एनएरोबिक कंडीशन है, तो ड्यू टू फ्लडेड कंडीशन है, वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, एंड लेकिन एनएरोबिक कंडीशन होने के कारण वीड का इन्फेक्शन भी ज़्यादा कम होता है, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वीड है वो एरोबिक वीड होते हैं। ओके, लेकिन जब हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करते हैं, तो जैसे हम लो लेवल ऑफ वाटर रखते हैं, जैसे अगर जनरली हम 20 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई करेंगे, तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में हम 5 सेंटीमीटर वाटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद थोड़ा ड्राई होने देंगे, बाद में वापस 5 सेंटीमीटर अप्लाई करेंगे, तो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। ओके, वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, लेकिन अप्लीकेबिलिटी ऑफ द अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम है वो इस पर डिपेंड करती है कि आपकी सोइल है वो कैसी है, सोइल में इन्फिल्ट्रेशन रेट अच्छा है या नहीं है, उसके अलावा क्यों, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी एरोबिक सिस्टम रखोगे तो वीड है उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो आपको गुड क्वालिटी वीडीसाइड चाहिए, या आपको बायो हर्बिसाइड मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड जर्मिनेशन है, तो हाई जो वेराइटी है वो ड्रोट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब जो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सके, तो ऐसी वेराइटी अडोप्ट करने पड़ेंगे, तो ये 3 या 4 पॉइंट रखना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल दिया है कि आपको 5 सेंटीमीटर डेप्थ पे ना कि 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे वाटर अप्लाई करना है। ओके, तो इससे आपका क्या सोल्यूशन हो जाएगा कि वाटर है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, राइस क्रॉप है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी, अगर राइस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गई तो वाटर अवेलेबिलिटी है वो अदर क्रॉप है वीट है उसके लिए या अदर रवि क्रॉप के लिए बढ़ जाएगा, इसके अलावा राइस का जो सरप्लस वाटर है वो अदर जोन में भी यूज हो सकता है, तो अदर जोन में यूज होगा तो रीजनल प्रोस्पेरिटी आएगी, रीजनल प्रो। इसके अलावा अगर हम ये सिस्टम अडोप्ट करेंगे तो सोइल है उसका डिटोरेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, अगर सोइल का डिटोरेशन रिड्यूस हो गया तो सोइल की स्ट्रक्चर, सोइल की प्रोडक्टिविटी एंड सोइल की फर्टिलिटी है वो सब बढ़ जाएंगे, अगर छोटा क्वेश्चन आया तो। अदरवाइज तो ये जो अपना पहला पार्ट है कि कैसे हम राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाएं, तो उससे डील करें, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे डील करोगे। ओके, उसके बाद में अनदर है एरोबिक राइस सिस्टम होता है, तो एरोबिक राइस सिस्टम जो अपना एरोबिक राइस सिस्टम का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, दिस दिस वेर इज एरोबिक राइस सिस्टम। ओके, एरोबिक राइस सिस्टम है कि आपने अगर राइस क्रॉप को कोई वाटर अप्लाई किया, तो इतना ही वाटर अप्लाई करोगे जो उसकी इवोपोरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सोयल सरफेस, और उसकी ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस, इसके अलावा परकोलेशन लॉस एंड सीपेज लॉस है उसको गवर्न करें, इतना वाटर अप्लाई करना है। समझ गए, तो द क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाई जो इवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन नीड को फुलफिल करे, तो एरोबिक राइस सिस्टम इज मेनली, क्योंकि एरोबिक राइस सिस्टम है ये भी एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे, अगर एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे तो वीड है उसका इन्फेक्शन बढ़ेगा, अगर वीड का इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्रॉप से कंपटीशन बढ़ेगा, ये वीड क्रॉप है, वीड कंपीट करेगा, लाइट के लिए भी करेगा, न्यूट्रिएंट के लिए भी, वाटर से के लिए भी करेगा, तो आपको टाइमली वीड का रिमूव करें, तो एफिशेंट वीडिसाइड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एफिशेंट बायोसाइड है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, और एक है टाइमली प्रिसाइज एप्लीकेशन, राइट टाइम राइट प्लेस एंड राइट अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एरोबिक राइस सिस्टम कल्टीवेशन। इसके बाद में आउटपुट आपको बताना ही है कि 50 से 60% यील्ड बढ़ गया है, तो आपको कभी भी करना है, तो रिसर्च स्टडी ने फाउंड किया है कि अगर हम एरोबिक राइस कल्टीवेशन है ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन करेंगे तो वाटर यूज एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, आप कह सकते हो वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन रिसर्च स्टडी ने फाउंड किया है कि 10 से 12% है यील्ड में रिडक्शन आ गया है, तो यील्ड में रिडक्शन इज नॉट ए मेजर कंसर्न बिकॉज सेविंग ऑफ वाटर इज देयर, एंड ड्यू टू दिस सेविंग ऑफ वाटर ही ग्रो रवी क्रॉप विच कैन
गिव गुड यील्ड। सो उसके क्रॉपिंग सिस्टम में यील्ड बढ़ जाएगी, अगर क्रॉपिंग सिस्टम में उसकी यील्ड बढ़ गई तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ गई है। तो ये पॉइंट आप एरोबिक राइस सिस्टम में डाल सकते हो। लेकिन एरोबिक राइस सिस्टम के कंसर्न कौन से हैं, तो आपको यू करना है कि गुड वीड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ द वाटर एंड प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ द रिसोर्सेज होना चाहिए, एंड गुड पैकेज एंड प्रैक्टिसेज है वो फार्मर को डिलीवर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फार्मर तो ट्रेडिशनल सिस्टम से राइस कल्टिवेशन कर रहा है। ओके तो ये प्री रिक्वेस्टिंग है कि आपको लैंड लेवलिंग है, गुड इस्टेब्लिशमेंट है, गुड मैनेजमेंट होता है, ये करना ही करना है। न्यूट्रिएंट अप्लाई करने के लिए, क्यों? क्योंकि एरोबिक कंडीशन में फास्फोरस एंड फेरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, और फास्फोरस एंड फेरस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर किस क्रॉप के लिए, राइस के लिए। तो आपको फास्फोरस एंड फेरस को अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, एंड DAP है, डाइमोनियम फास्फेट है, वो टाइमली अक्वायर करो, ठीक है। एंड देन आपको पता है कि फ्लडेड कंडीशन में ज़्यादा लेबर चाहिए, ARS कंडीशन में लेस लेबर चाहिए, तो फार्म का मैकेनाइजेशन भी पॉसिबल। अगर फार्म का मैकेनाइजेशन है तो नेचुरल कोई भी रिसोर्स उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाएगा। ओके अब है इस टाइप से कोई डायग्राम दे दोगे कि एक फ्लो चार्ट दे दो कि एरो ये है ट्रांसप्लांट राइस है, मतलब जो आपकी पडलिंग राइस है, और एरोबिक राइस है। तो एरोबिक राइस की डेवलपमेंट कब हुआ था, जब वाटर अवेलेबिलिटी हाई थी, उसके पास में आपके पास एक्सेस लेबर थे, इसके अलावा आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड नहीं थे। लेकिन अब करंट एरा में आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड भी हैं, इसके अलावा सेलेक्टिव भी हैं, उसके अलावा लेबर है, MG नरेगा, इनके कारण लेबर की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, जिसके कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो लेबर की स्केरिसिटी से लिंक कर देना, और वाटर है उसकी डिमांड है, वाटर के डिप्लीशन है, अदर सेक्टर से वाटर डिमांड है, इसलिए हमें एरोबिक राइस सिस्टम है वो अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद में एरोबिक राइस सिस्टम की स्ट्रेटजी बता दो, और बाद में एरोबिक राइस सिस्टम है उससे बेनिफिट बता दो। तो आप कभी भी 10 नंबर के क्वेश्चन में आओगे तो एरोबिक राइस सिस्टम को डील कर लोगे। और अगर जो मेजर क्वेश्चन आया उसमें तो आपने अगर ये वर्ड लिख दिया, लेजर लैंड लेवलिंग है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, एरोबिक राइस सिस्टम है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, देन ही नोट दैट ही अवेयर अबाउट दैट न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके इस टाइप से एक अगर आप टेबल भी बना सकते हो कि अगर फ्लडेड राइस है, एरोबिक राइस है, तो आपका सबसे पहले हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एक क्रॉप उसकी ट्रांसपिरेशन रेट, इधर एवोपोरेशन रेट, सीपेज एंड परकोलेशन रेट होती है। तो इसमें ये हाई होती है और इसमें ये लो होती है। अगर आपको ये डाटा याद नहीं रहे, नियर अबाउट डाटा नहीं है, आप 1500 भी कर सकते हो, 2500 भी कर सकते हो, या 100 भी कर सकते हो, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग लैंड पे डिपेंड। अगर ये डाटा कुछ भी डाटा, मतलब ये डाटा है, ये कम रखना है, ये ज़्यादा रखना है, तो आप एक डिफरेंस कर पाओगे। ओके और इसके बाद में यहाँ कोई बुक का नाम लिख देना, रेडी एंड रेडी सोर्स रेडी एंड रेडी। ओके एरोबिक राइस कल्टीवेशन का फील्ड है, और अगर गुड क्वालिटी वैरायटी है, जैसे पूसा की हाइब्रिड 3 है, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4 है, पूसा सुगंध 4 है, तो ये सस्टेनेबल वैरायटी है एरोबिक राइस कल्टीवेशन में, एंड इससे नियर अबाउट यील्ड आती है 4.5 से 5, हमेशा यील्ड है एक रेंज में देना सीखो। ओके देन फरो इरीगेटेड रेज बेड सिस्टम। फरो इरीगेटेड में क्या होता है कि दिस इज़ फरो, दिस इज़ बेड। ओके तो हमने बेड पे राइस की दो रो लगा दी, एंड फरो है, इससे वाटर है ये ड्रेन आउट हो जाएगा, और यहाँ से सिपेज होके राइस की रूट को मिलता रहेगा। तो अगर वाटर यहाँ से फरो से ड्रेन आउट हो गया, तो एक तो मशीनरी का मूवमेंट इजी हो जाएगा, एक है जब भी हम वीडी साइड हर्बी साइड या कुछ भी अप्लाई करेंगे तो ह्यूमन मूवमेंट अच्छी हो जाएगा, तो हमारी एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी बढ़ गई ना। इसके अलावा लॉस भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम मूवमेंट करेंगे तो क्रॉप का लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर फ्रो इरीगेटेड बेड पे करेंगे तो कंपटीशन भी कम है, क्योंकि ऑप्टिमम स्पेसिंग मिल रहा है ग्रोथ करने के लिए, तो कंपटीशन फोर भी कम हो जाएगा, और वाटर है पूरी सोइल में अवेलेबल नहीं है, तो वीड है उसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ओके तो फ्रो इरीगेटेड रेज बेस्ड सिस्टम सबसे पहले कहाँ, ये कचरा है, इंडो गंगटिक प्लेन में यूज़ किया था, और हम मशीनरी का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कंसेप्ट। उसके बाद इस टाइप से डायग्राम दे दो कि एडवांटेज ऑफ फ्लो, यहाँ एडवांटेज रख दो, वही वह है कि शुरू में अगर कोई क्रॉप है तो सीड की सेविंग होगी, जैसे हम फील्ड में सीड करेंगे तो क्रॉप ग्रो होगी, तो क्रॉप ग्रो होगी तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है, तो वाटर की सेविंग होगी, उसकी न्यूट्रिएंट है उसकी सेविंग हो गई है, और अगर हम फ्रो इरीगेटेड रेज बेड में करेंगे तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी, तो वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो सीड है उसका एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया होगा, क्रॉप का एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया होगा, और लास्ट में यील्ड है वो बढ़ जाएगी। अगर यील्ड बढ़ जाएगी तो आपका क्या होगा, फार्मर है, फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी फार्मर इनकम है वो डबल हो जाएगी। अगर फार्म इनकम डबल हो जाएगी तो रूरल एरिया में प्रोस्पेरिटी आ जाएगा, रूरल एरिया में प्रोस्पेरिटी आ जाएगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगी। इस टाइप से लिंक कर दो, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ है, टर्म इज़ इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में एडवांटेज ऑफ FIR भी, अगर आपको ज़्यादा मन आ रहा है कि मेरे को एडवांटेज के अलावा कुछ सोर्स लिखना है, तो आप सिंपल सोर्स लिख लो, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च पेपर,
ऑन FIRB, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च पेपर पढ़ के आपने ये सोर्स लिया है. सो इट्स लुक इट गिव वेटेज टू योर क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज फॉर योर फरो इरीगेटेड रेज बेड होता है. सब कुछ ये दे रखा है कि आपको बाद में किसी रिसर्च स्टडी है, आपको IRRI है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IARI है, ICR है, इन्होंने फाउंड किया है कि हमने फरो इरीगेटेड रेज बेड अडोप्ट किया तो हमारे 20-22%, 25-28% वाटर की कुछ नियर अबाउट ट्रेंड दो 10-25 के बीच में रखो और यील्ड है वो 12-18% बढ़ गया है. हमारा वीड है उसका इन्फेक्शन है 18% है वो घट गया है, 15-18% घट गया है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो रिड्यूस हो गई है और फार्मर है उसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है ये बढ़ गया. इस टाइप से हम एग्रोनॉमी को किससे लिंकेज कर रहे हैं, इकोनॉमिक से लिंकेज कर रहे हैं. दिस इज द स्ट्रेटजीज यू शुड लर्न. एंड पेपर फर्स्ट कचरा है, कुछ नहीं है यार, 4 या 10 दिन में पेपर फर्स्ट में आपको स्ट्रेटजी देना चाहिए कि कैसे हम उसको हैंडल कर लेंगे. ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं पेपर फर्स्ट में. देन योर डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सरफेस इरीगेशन है, स्प्रिंकल इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है. तो सरफेस इरीगेशन है या कैनाल इरीगेशन है, इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी केवल 20-25% होती है या इरीगेशन एफिशिएंसी. स्प्रिंकल की 75-80% होता है, ड्रिप इरीगेशन की 90% होती है. तो जिसकी ज़्यादा इरीगेशन एफिशिएंसी होगी उसकी वाटर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी और हमें क्योंकि स्केरिसिटी ऑफ वाटर है तो ये सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा. और उसके बाद में इस सिस्टम को किसी क्रॉप से ऐड कर लेना कि स्प्रिंकल इरीगेशन है वीट क्रॉप में, इन्होंने रिसर्च स्टडी की है और ये फाउंड किया है कि स्प्रिंकल इरीगेशन के कारण इतना परसेंट वाटर की सेविंग हो जाती है और वाटर की सेविंग हो गई है तो वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. मतलब एक ही क्वेश्चन पूछेगा वो, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, मैं ये आपको शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, और आपको जनरली ये पता है स्प्रिंकल इरीगेशन है वो अनडुलेटेड लैंड में यूज होता है, एक टाइप का मैकेनाइज वे ऑफ इरीगेशन है एंड इससे आपका अल्टीमेटली राइस है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ वो ही पॉइंट काम आएंगे. ठीक है, और सेम है मल्चिंग है. मल्चिंग का सिंपल सा ये कंसेप्ट है कि आपने यहाँ क्रॉप ग्रो किया तो यहाँ हमने मल्च डाल दिया. मल्च कोई भी टाइप का हो सकता है, क्रॉप का रेजिड्यू भी एक है, एक स्ट्रा मल्च भी हो सकता है, प्लास्टिक मल्च भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मल्च भी हो सकता है. लेकिन मल्च का फ़ायदा क्या है, तो मल्च है वो सनरे है उसको डायरेक्ट सोयल के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगा तो आपका इवेपोरेशन है उसकी कम होगी. तो इवेपोरेशन कम होगी तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट रीड हो गई ना, और ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल रहेगा. अगर रूट के पास ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. दूसरा मल्चिंग से क्या है, जैसे क्रॉप रेजिड्यू एक मल्चिंग है तो मल्च है जैसे ये डिग्रेड होगा तो इसको कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस मैक्रो माइक्रो न्यूट्रेंट भी प्रोवाइड करेगा तो न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी बढ़ गई. उसके अलावा मल्चिंग के कारण माइक्रोफ्लोरा जैसे जो प्रोटोडोवा निमेटोड ये भी ग्रो करेंगे. अगर माइक्रोफ्लोरा ग्रो करेंगे तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है सोयल की बायोडाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज होगी. उसके अलावा मल्च का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि सोयल की स्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव करता है, सोयल की स्ट्रक्चर को डिटोरेट से बचाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ाता है, उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो भी बढ़ाता है. तो दैट इज़ मल्च. ओके, सो इसको मल्चिंग को, मल्चिंग में वाटर की सेविंग है मैंने बताया दिया, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो सब. अब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी. जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम रिसर्च स्टडी को कैसे पिकअप करेंगे, ये मैंने ड्यूरिंग जब मैंने क्लास ली थी तो लोगों को बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या रिसर्च स्टडी फ्लो चार्ट ये एक एक नंबर की लड़ाई होती है, दैट वन नंबर अल्टीमेटली डिटरमाइन योर 30 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन. में आपको एक एक नंबर के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने पड़े, कहाँ हमें डाटा मारने हैं. ओके, लाइक अब हमें पता है एक डायरेक्ट सीडेड राइस है, ट्रांसप्लांटेड राइस है, तो आप एक डाटा दे दो कि डायरेक्ट सीडेड राइस है उसमें यील्ड है इतनी है. अगर ये नहीं आएगा तो आप इसमें कह दो इसमें लो है इसमें हाई है. इसकी वाटर प्रोडक्टिविटी है डायरेक्ट सीडेड राइस है ट्रांसप्लांटेड राइस है, तो डायरेक्ट हाई होती है लो होती है. तो अगर वाटर प्रोडक्टिविटी हाई है तो वे ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वे है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को फुलफिल करेगा. ठीक है, तो आप तीन और डाटा भी डाल सकते हो कि अब इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डाल दो कि डायरेक्ट सीडेड राइस की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लो है इसकी हाई है. इसके बाद बेनिफिट कॉस्ट रेशियो डाल दो कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इसमें हाई है इसमें लो है. तो सिंपल से चार टेबल बना दोगे ना कि यील्ड है वो कौन से ज़्यादा, जनरली ट्रांसप्लांट राइस की आपने थोड़ी सी ज़्यादा मार दी इसकी लो है, लेकिन वाटर रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा है डायरेक्ट सीडेड राइस की. उसके बाद कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसकी कम है डायरेक्ट सीडेड राइस की कंपेयर टू ट्रांसप्लांटेड राइस की, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो किसका ज़्यादा हाई. ठीक है, और सस्टेनेबल वे ऑफ क्यों, दिस इज सस्टेनेबल वे, दिस इज सस्टेन, इस टाइप से आपने पांच कॉलम बना के कर दिया. जैसे गिल एट ऑल है, ऐसे तीन या चार साइंटिस्ट अगर नहीं लिखो तो ICR रिसर्च पेपर है या इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एक रिसर्च पेपर आपने इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडियन जनरल ऑफ एग्रोनॉमी है, इंटरनेशनल जनरल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो ये डाल दिया तो वो बंदे को लगेगा यार रिसर्च स्टडी से भी चीज़ें अप्लाई कर रहा है.
इसके अलावा आप कभी कभी नहीं आ रहा तो तीन अलग अलग जोन उठा लो, एक हमने आप सदर्न इंडिया बेल्ट का, एक नॉर्थ ईस्ट बेल्ट का, एक ड्राई बेल्ट का। तो सिंपल सी बात है, हम कोई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करेंगे तो ड्राई बेल्ट है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और जहाँ इरीगेटेड या रिसोर्स है वहाँ ज़्यादा होगी। तो अलग तीन जोन में बाद में उसके यील्ड है, वाटर है, एफिशिएंसी है, इनका कंपेरिजन कर देना तो आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। मे बी मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये बैच ये किसके लिए है जो मेंस दे रहे हैं, और वो मैंने एक या दो कॉपी टेस्ट सीरीज की कॉपी जो उन्होंने भेजी उस समय चेक किया कि वो रिसर्च स्टडी को अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं ये रिसर्च स्टडी दे रहा हूँ ताकि आप इनको अप्लाई करना सीख जाएँ। ओके, इसी टाइप से जैसे आपका सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का सिंपल सा फंडा है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हम क्या करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ओके, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिव में सबसे पहले है कि हम यंग सीडलिंग को ग्रो करते हैं, 8 से 12 डे यंग सीडलिंग को ग्रो करते हैं ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल को यूज कर सके, ताकि वो 8 से 12 डे यंग सीडलिंग को ग्रो करते हैं। उसके बाद में जो यंग सीडलिंग है उसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पैक्टर में ग्रो करते हैं। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैक्टर में ग्रो करेंगे तो इसका कंपटीशन है अदर से नहीं होगा, और एक ये एक हिल है, ये दूसरी हिल है, ये तीसरी हिल है, तो एक हिल पे एक ही प्लांट लगाते हैं। नहीं तो ट्रांसप्लांटिंग में 3 या 4 प्लांट लगाएंगे तो आपस में कंपटीशन होगा, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एक हिल पे एक प्लांट लगाएंगे तो इसको ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर मिलेगा, ऑप्टिमम लाइट मिलेगी, ऑप्टिमम एयर मिलेगी, तो इसमें टिलर ज़्यादा होंगे। पर प्लांट है या पर हेक्टेयर है, टिलर का नंबर बढ़ने के कारण ऐसा रहे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद में जब इसके बीच में से वीड रिमूव करेंगे ना, तो हम बायो वीडिसाइड का यूज़ करेंगे, कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे तो वाटर क्वालिटी भी डिटेरियरेट नहीं होगी या फूड ग्रेन चेन भी इन्फेक्टेड नहीं होगी। ओके, तो इससे अल्टीमेटली हम क्या हो सकता है कि वाटर की सेविंग हो जाएगी, यील्ड बढ़ गई, और उसके बाद में इन्वायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन हो गया है। ओके, वो फार्मर की इनकम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये आप बता दोगे जो एस आर आई है। तो लास्ट में इससे इससे जैसे ट्रांसप्लांटेड एस आर आई का है, दो ट्रीटमेंट है, तो आपको डिफरेंट करना है इफेक्ट ऑफ एस आर आई ट्रीटमेंट है। कभी भी एज ए कंक्लूजन दे सकते हो कि वाटर का कंजप्शन किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, हाई लो भी कर दो या 1400 800 mm भी कर दो, तो वाटर यूज एफिशियंसी में इसमें ज़्यादा हो गई है, इरीगेशन वाटर यूज एफिशियंसी में इसमें ज़्यादा हो गई है, नहीं वाटर यूज सॉरी इसमें ज़्यादा है, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी इसका ज़्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसकी कम होती है। इस टाइप से एक टेबल बना दो। ये रिसर्च स्टडी को कैसे अप्लाई करने में आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप इनको 3 या 4 क्वेश्चनों में अप्लाई कर गए तो आप लीड ले गए, एग्जामिनर को आप सोचने का मौका दे रहे हो कि बच्चा है रिसर्च जनरली पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड पूछ डाल देना, वही इंटरनेशनल जनरल ऑफ एग्री या इंडियन जनरल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस होता है, जनरल ऑफ एग्रोनॉमी है इस टाइप से, या इरीगेशन साइंस है, इरीगेशन साइंस भी एक जनरल है, इरिगेशन साइंस भी जनरल है, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट भी जनरल है, तो इन जनरल का नाम लिख के आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इसी टाइप से आप कभी कभी इवेल्युएट करोगे तो 5 या 7 कंट्री में बता दोगे कि हाँ इतनी वाटर सेविंग है, किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है, दैट इज इवेल्यूशन बेस्ड ऑन डिफरेंट रिसर्चर, वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, दैट नॉट बी क्वेश्चनेबल। एंड ये वे फॉरवर्ड लाइन है जो हमेशा एक या दो पॉइंट में रखना चाहिए कि जो पास्ट का प्रोडक्टिव गेन है वो स्टेग्नेशन आ गया है, तो हमें न्यू मेथड है लाइक लेजर लैंड लेवलिंग है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग सिस्टम है, एरोबिक राइस कल्टिवेशन है, मल्चिंग है, ड्रिप इरीगेशन है, स्प्रिंकल इरीगेशन है, ये अडोप्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपने फार्मर की इनकम को डबल कर सकें। थर्ड पेपर से जोड़ देना, फार्मर की इनकम को डबल कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकें, रूरल डेवलपमेंट कर सकें, एक पेपर का पॉइंट जोड़ दो, ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। मे बी मैं फास्ट हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो रिवीजन कर पा रहे हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें इसको, और जो HCS हैं उसके लिए तो काफ़ी टाइम बचा है, हम डील कर लेंगे। दीज आर नॉट ए बिग डील फॉर डील फर्स्ट पेपर, जब सेकंड पेपर आता है तो वहाँ सब मकअप स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर, बट इस पेपर में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि आप कौन कौन सी स्ट्रक्चर को अडोप्ट करोगे। सबसे पहले आप रिसर्च स्टडी डालोगे अगर आपको मिल रही हैं तो, उसके बाद में आप फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट है वो करो, फ्लो चार्ट एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव करो, उसके बाद में उसके कंपेरेटिव स्टडी भी कर दो, एक या दो की कंपेरेटिव स्टडी भी कर दो, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आप है पेपर 3 से जोड़ दो, ठीक है, या स्टार्टिंग में कोई डाटा डाल दो, स्टार्टिंग में हमेशा कोई डाटा डाल देना। उसके बाद में मैप है, इंडिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है, इस टाइप से हमें अप्लाई करना है कि हम इंडिया मैप में अलग अलग जोन में कौन से क्रॉपिंग सिस्टम है उसको अडोप्ट कर पाएँ। उसके अलावा कलरफुल पेन है उसका भी यूज कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन करने में। ओके, एंड जो भी स्ट्रक्चर है कि आपको डेफिनेशन देना है, रिसर्च स्टडी देना है, वे आउट देना है, इन पर फोकस करो। ओके,
ऑल द बेस्ट यार, तैयारी करते रहो।